लंदन में नवाज शरीफ, वजीर आजम शाहिद काका नवासी और इज़हार डॉट्स की मुलाकात जारी है। मुल्की सियासी सूरतेहाल पर बातचीत भी की जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात क्या है, हमारे नुमाइंदे असद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। असद मलिक बताएगा अहवाल सूरतेहाल क्या है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि अभी से तकरीबन आधा घंटा पहले वजीर आजम शाहिद काका नवासी यहाँ पहुंचे हसन नवाज के दफ्तर। सेंट्रल लंदन का ये इलाका है जहाँ पर इसाक डार और नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक अहम मुलाकात जारी है जिसमें हसन नवाज और हुसैन नवाज भी बाद में इस मुलाकात में शरीक हुए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जब वजीर आजम शाहिद काका नवासी आए तो साथियों ने उनसे सवाल किया कि आपकी 10 डॉनिक सीट बरतानवी वजीर आजम ने मदू क्यों नहीं किया, तो उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बस इतना ही कहा कि किसी भी वजीर आजम को नहीं बुलाया। लेकिन जब साफी ने पूछा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खास तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट नाश्ते पर मधु किया गया था, बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद को मधु किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम को क्यों मधु नहीं किया गया, तो उनका जवाब सिर्फ यही था कि जिन जिन से जरूरी थी मुलाकात उनसे मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के हवाले से जो आज जारी है स्टेन अप हाउस हसन नवाज के दफ्तर में, आपको बताते चले कि एक अहम मुलाकात समझी जा रही है। दो अहम बड़े सवाल हैं इस मुलाकात में कि 31 मई को जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो रही है तो निगरान, अगला निगरान वजीर आजम कौन होगा। आज इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस निगरान का मामला। फिर बहुत शुक्रिया आपका असद।